हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सविता केस में फिर से स्वागत है। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद में मैं आज खुद के लिए टाइम निकाली हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आज मूवी देखने जाने वाली हूँ, वो भी शाहरुख खान का। मूवी का नाम आप लोगों का तो पता ही है, जवान मूवी है, जो कि मैं बहुत दिनों से उसका प्रमोशन टीवी में देख रही हूँ और मेरा बहुत ही मन कर रहा था मूवी देखने जाने के लिए। तो आज फाइनली मौका मिला है। आज देव के पापा घर में है तो मेरा बेटा को वो अपना वो 3-4 घंटा के लिए संभालेंगे, तो मैं अपना चली जाऊँगी मूवी देखने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ में। मैं जहाँ जा रही हूँ मॉल में, आप लोगों को वहाँ का व्यू कुछ दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं प्लूटन मॉल में मेरे जिगरी दोस्त के साथ में। देख लीजिए मेरा जिगरी को। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। अभी एकदम ग्राउंड फ्लोर में आ गई हूँ, जो कि एकदम नीचे में है। यहाँ पर जूडियो का कलेक्शन है, जो कि मेंस कलेक्शन और बेबी कलेक्शन है, और यहाँ पर प्राइस भी बहुत ही कम है। तो मैं आप लोगों को एक बार हेल्प कर देती हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ कलेक्शन है आप लोगों को दिखाने का। से निकलेंगे तो सामने में आपको पान का दुकान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ का पान थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग यहाँ पर पान भी खा सकते हैं। और साइड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सुपरमार्ट है। तो अंदर में थोड़ा सा चलते हैं। नीचे से ऊपर आ चुके हैं, अभी हम लोग को थर्ड फ्लोर तक जाना है, तो अभी चलते हैं ऊपर में।
खुद आ रही है, तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। सही थर पर पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए ओपन रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर खुला में, यहाँ पर बैठ के आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। पीवीआर सिनेमा के पास में, तो यहाँ पर आप लोग बैक साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में जवान का कुछ क्लिप चल रहा है, तो हम लोग अभी अंदर में जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस हॉल का था। मैं जब छोटी थी, सेवन क्लास या एट क्लास में पढ़ती थी, उस टाइम में मैं गई थी, मेरा फूफू का शादी हुआ था, उस टाइम मैं हॉल में गई थी देखने के लिए। तो पहला एक्सपीरियंस है जब मैं हॉल के अंदर में गई, इतना बड़ा स्क्रीन देख के मैं एकदम फटाक से नीचे गिर गई। वो बहुत ही मेरा एकदम फनी एक्सपीरियंस था। तो तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? तो मेरा फैन है विराज, तुम बताओ सबसे पहला पिक्चर कौन सा देखी, कहाँ देखी? मैं अहला भी फिल्म देखी थी। ओडिया ओडिया मूवी देखी है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस क्या था? अच्छा लगा, बड़ा स्क्रीन देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार देखने से ना तो एकदम अलग ही मज़ा आता है। तो लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले गई थी देखने के लिए, शायद तानाजी मूवी था, वो भी अजय देवगन का, उस टाइम में मैं लास्ट टाइम गई थी। और आज मैं आई हूँ मेरा बेटा को छोड़ के, फाइनली मैं आज अपने आप को बैचलर महसूस कर रही हूँ। और मैं फ्रेंड को खींच के ये भी नहीं आना चाहती थी, मैं इसको लेके आई हूँ। आज मूवी देखे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, वो भी शाहरुख खान का। आप लोगों को तो पता ही है जवान कितना प्रमोशन में देख देख के ही तो मेरा दिमाग खराब हुआ था। मैं लास्ट टाइम आने वाली थी गदर देखने के लिए, पर उस टाइम मैं आ नहीं पाई। तो अभी हम लोग आए हैं, एंजॉय करेंगे। आप लोग भी वीडियो में अब तक बने रहिए, आप लोग भी हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, हाफ टाइम में फिर से बात करेंगे। देख रहे हैं अभी इंटरमिशन हो रहा है, तो इतना मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। मैं घर जाके आप लोगों को मूवी के बारे में कुछ रिव्यू दूंगी। बहुत ही ज़्यादा मन एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, एक्शन और उसमें जो इमोशनल है, हम लोग तो दोनों ही जन रो पड़े। खास करके जो मेडिकल का मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी घर में जाके, ठीक है ना? अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, अभी हम लोग आके बैठे हुए हैं। अभी हम लोग का मूवी खत्म हो चुका है, हम लोग दोनों अभी जा रहे हैं बाहर में। बहुत मजा आया, मैं तो सोची थी और 1 घंटा हो जाता मूवी तो देखती। खैर हम लोग का मूवी तो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग मॉल से निकल रहे हैं। मॉल का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ, किस चीज़ पका रहे हैं। इतना टाइम मूवी में बैठेंगे तो भूख तो लगेगा ना, तो हम लोग वहाँ से निकल के अम्बागान में आ गए हैं, अम्बागान का फूड कोर्ट में। तो चलिए कुछ खा लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर मोमोज ऑर्डर किए हैं, तो थोड़ा सा चंट कर जाते हैं मोमोज।
मोमोज खाने के बाद में बहुत मन किया आइसक्रीम खाने का, तो चलिए थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं भी आके फ्रेशनअप होके मैं अभी जस्ट आके घर पहुंची हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, मेरा बेटा भी सो गया है। उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मूवी का रिव्यू देना चाहती हूँ कि ये मूवी आप क्यों देखने जाएंगे। क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं एक्चुअली तो पहले बहुत दिनों के बाद में मैं मूवी देखने के लिए गई थी, तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सेकंड बात यह है कि मूवी में इतना एंटरटेनमेंट भरा हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। स्टार्टिंग में तो आप लोग देखेंगे इतना एक्शन है और जैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक्शन देख के, इतना एक्शन है शाहरुख खान का। देन बीच बीच में थोड़ा सा बहुत इमोशनल आ जाता है। मेरा साइड में एक मम्मी बैठी हुई थी और राइट साइड में मेरा फ्रेंड थी, हम लोग तीनों ना पैथेटिक सीन देख के हम लोग इतना रो रहे हैं कि मतलब हम लोग तो माँ है ना, तो बच्चे के ऊपर में जब एक सीन था तो उस टाइम में हम लोग बहुत थोड़ा पैथेटिक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। और उसमें लव स्टोरी भी है, मेन बात है इसमें पॉलिटिक्स का ऊपर में दिखाया गया है। एक्चुअली जो समाज में हो रहा है उसी के ऊपर में ये मूवी बनाया गया है, तो ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छा लगा हमको। और ऐसे ही हम लोग दोनों दोस्त हम लोग गए थे बाहर में मार्केट में साथ में, बहुत ही कम मौका मिलता है ऐसे ही बाहर में जाने का, तो हम लोग थोड़ा सा गए तो हम लोग बहुत एंजॉय किए। तो ओवरऑल ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को भी जाके एक बार देखना चाहिए। आखिर शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही होता है, वो तो भाईजान सबका ही भाईजान है, और शाहरुख खान मुझे तो लगता है सबका ही फेवरेट है। मुझे भी अच्छा लगता है उनका मूवी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।